नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में तबाही के बाद अब प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश के इस जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा कल प्रदेश में हुए कुछ बड़े हादसों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चलती कार पर पत्थर गिरने से मंडी के कारोबारी की मौत, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा कल प्रदेश में कितने नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, कितने अध्यापकों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे अब निजी स्कूल, तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नया नियम लागू किया है, तो कौन सा यह नया नियम है इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा प्रदेश में 17,550 परिवारों को मिलेंगे मुफ्त बिजली कनेक्शन, तो किस तरह से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कौन सी ये योजना है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज की पहली खबर है, उत्तराखंड में तबाही के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन हाई अलर्ट। उत्तराखंड में ग्लेशियर से तबाही के मंजर को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां ग्लेशियर हैं। मुख्य तौर पर बड़ा सिगरी, चंद्रताल, सूरजताल और सोना पानी आदि स्थलों पर ग्लेशियर टूटने का खतरा है। हालांकि लाहौल स्पीति में नदी किनारे बस्ती नहीं होने से नुकसान की आशंका कम है, लेकिन भूमि कटाव और पुलों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। इससे पहले भी लाहौल स्पीति में हिमस्खलन के कई मामले सामने आए हैं। आज की अगली खबर है, चंडीगढ़ की युवती के साथ सुंदरनगर में सामूहिक दुष्कर्म, 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। चंडीगढ़ से मनाली घूमने आई युवती के साथ सुंदरनगर में सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। युवती ने दुष्कर्म का वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया है। DSP सुंदरनगर गुरुभजन सिंह ने कहा कि पुलिस थाना सुंदरनगर में आरोपियों के खिलाफ धारा 376D और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी है। मनीमाजरा थाना पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद सुंदरनगर थाने को आगामी कार्रवाई के लिए कहा है। सुंदरनगर थाना में रविवार को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवती 3 फरवरी को अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने आई थी। मनाली से लौटने पर दोस्तों ने युवती को सुंदरनगर बस स्टैंड पर छोड़ दिया। इसी दौरान युवती का पहले से परिचित एक अन्य दोस्त वहां आया और बातचीत करने लगा। बातचीत हो ही रही थी कि 5 और युवक भी वहां आ गए और इन सभी ने यहां शैक्षणिक संस्थान के पास एक कमरे में पार्टी आयोजित की। पीड़िता की शिकायत के अनुसार इन सभी ने वहां पर शराब का सेवन किया। जब वो कमरे से जाने लगी तो आरोपी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक आरोपी ने दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया है। आज की अगली खबर है, 16 प्रशिक्षु नर्सें और मंडी में 6 अध्यापकों समेत 30 और कोरोना पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में कल रविवार को 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि सिरमौर जिले के 72 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई है। कांगड़ में 16 प्रशिक्षु नर्सें समेत 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नर्सिंग कॉलेज पालमपुर की 16 प्रशिक्षु नर्सें कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। संक्रमितों में 19 से 21 वर्ष की युवतियां शामिल हैं। आज की अगली खबर, मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, बजट सत्र में एक्ट होगा संशोधित। निजी स्कूलों की फीस को लेकर मचे घमासान के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने फीस नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1997 के एक्ट में बदलाव करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बीते दिन हुई कैबिनेट बैठक में इस पर अनौपचारिक बातचीत हुई। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग को एक्ट में बदलाव की हरी झंडी दे दी है। विभागीय अधिकारी ने सरकार से मंजूरी मिलते ही विधि विभाग को मामला भेज दिया है। संभावित है कि बजट सत्र में संशोधन को मंजूरी दे दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक एक्ट 1997 में बदलाव करते हुए निजी स्कूलों के ऑडिट की व्यवस्था की जाएगी। चिन्हित दुकानों से ही किताबें और वर्दी की खरीद के लिए निजी स्कूल दबाव नहीं बना पाएंगे। SMC या किसी अन्य कमेटी को फीस निर्धारण में शामिल करने की भी तैयारी है। वर्तमान एक्ट के तहत निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आज की अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में 17,550 परिवारों को मिलेंगे मुफ्त बिजली कनेक्शन। हिमाचल प्रदेश में 17,550 गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। योजना के तहत 13.16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 35,000 रुपए से कम होनी चाहिए। बिजली लोड की आवश्यकता 2 किलोवाट या इसे कम होनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले BPL कार्ड धारकों और अंत्योदय अन्य योजना में शामिल परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
आज की अगली खबर है, स्कूलों में हाजिरी के अनिवार्यता नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई रहेगी जारी। हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी से 5वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खुलने जा रहे स्कूलों के बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। विद्यार्थियों पर स्कूल आने के लिए फिलहाल किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। स्कूलों में विद्यार्थियों की हाजिरी की अनिवार्यता भी नहीं रहेगी। स्कूल कॉलेजों के नोटिस बोर्ड पर कोरोना संक्रमण से बचाव की SOP को चस्पा किया जाएगा। आज की अगली खबर है, हवा और पानी में खेल गतिविधियां करवाने से पहले लेनी होगी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में अब बिना मंजूरी हवा और जल में होने वाली खेल गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने जल क्रीड़ा और एयरो स्पोर्ट्स के लिए नए नियमों को मंजूरी दे दी है। आवश्यक सुरक्षा नियम पूरा नहीं करने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की अगली खबर है, फेसबुक पर लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो यह सेक्स पार्टनर की तलाश करना नहीं, हिमाचल हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि फेसबुक पर लड़की के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का मतलब ये नहीं कि वो यौन संबंध बनाना चाहती है। ये कतई नहीं समझा जाना चाहिए कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर लड़की ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकार को युवक के हवाले कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आजकल सोशल नेटवर्किंग पर रहना आम बात है। लोग मनोरंजन, नेटवर्किंग और जानकारी के लिए सोशल मीडिया साइट से जुड़ते हैं। आज की अगली खबर है, चलती कार पर पत्थर गिरने से मंडी के कारोबारी की मौत। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चौथे दिन कल रविवार को भी 208 सड़कें बंद रही। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से चलती कार पर पत्थर गिरने से मंडी के कारोबारी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी समेत दो लोग घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान अजय पाल 55 वर्षीय के रूप में हुई। वहीं शिमला रामपुर नेशनल हाईवे को बहाल कर दिया गया है, जबकि प्रदेश भर में अभी भी 208 छोटी बड़ी सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। दोस्तों ये थी आज यातायात के लिए बंद है। दोस्तों ये थी आज 8 फरवरी 2021 हिमाचल प्रदेश की कुछ ताज़ा खबरें। डेली इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के लिए आप टुडे हिमाचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.todehimachal.com पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।